लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रमुख राजकुमार सैनी शनिवार शाम धर्मशाला पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने राजकुमार सैनी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राजकुमार सैनी ने कार्यकर्ताओं के अलावा स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की और सभी को अपनी पार्टी की नीतियों से अवगत कराया। साथ ही सैनी ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार और साथ ही इनेलो पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि दलित और पिछड़े लोगों को उनका हिस्सा और हक नहीं मिल रहा है और नेतृत्व विहीन इस समाज को सभी ने लूटा है और इस समाज को उसका हक दिलाने के लिए ही उन्होंने बसपा के साथ गठबंधन किया है। साथ ही राजकुमार सैनी ने जानकारी दी कि 2 अप्रैल को गठबंधन के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि राजकुमार सैनी 2014 में बीजेपी की टिकट पर कुरुक्षेत्र से सांसद चुने गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी बना ली थी।